पीछे ही रुक गए थे, आगे एकदम से भगदड़ सी हो गई थी, टेढ़े मेढ़े सब भागने लगे थे। और आप देख सकते हैं ट्रक के हालत में गिरा है वो। सबसे कह दो, सबसे कहो चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। ब्लॉग चैनल है, इस चैनल को क्या बात है, हम लोग तो बोल ही नहीं रहे। ये आगे चल के बहुत बड़ी ब्लॉगर बनी। सड़क पे जो किनारे ये लोग ना गोबर के ढेर लगा देते हैं, ये बहुत खराब चीज होती है। हे गाइस, स्वागत है आपका यूट्यूब ब्लॉग में। मैं चंदन मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ और आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। और आज तैयारी है संध्या को उनके गांव ले जाने की, उनकी दादी बाबा के पास में ले जाने की, क्योंकि संध्या बहुत दिनों से जिद कर रही थी कि हमें दादी बाबा के पास जाना है। तो आज उनको ले जाएंगे और वो रेडी हैं, उनकी पैकिंग पूरी हो चुकी है। संध्या और सावनी वहाँ कम से कम 4 या 5 दिन तक रुकेंगी, तो मैं अकेला रहूँगा घर पे और मम्मी पापा के साथ में रहूँगा, भाभी भैया के साथ में। और गाड़ी मेरी गंदी पड़ी है बिल्कुल, उसको अभी साफ़ करना है तो उसकी धुलाई करेंगे। और मैं अभी रेडी नहीं हुआ हूँ, संध्या रेडी हो चुकी हैं और उनका सामान भी सब रेडी है, पैक है सब कुछ। बस मेरी देर हो रही है, मेरी वजह से देर हो रही है, लेकिन आज बहुत हवा चल रही है, लेट उठाऊँ थोड़ा सा मैं, क्योंकि 2 दिन से नींद पूरी नहीं हो पा रही थी। नींद क्यों नहीं हो पा रही थी, क्योंकि लाइट बहुत यहाँ डिस्टर्ब कर रही है। रात में लाइट पूरी पूरी रात नहीं आती है, इन्वर्टर भी ख़त्म हो जाता है तो नींद आ नहीं पाती है गर्मी की वजह से। तो आज रात में लाइट भी बहुत अच्छी आई तो नींद बहुत अच्छी आई, इसीलिए मस्त सोया हूँ बढ़िया। अभी जागा हूँ थोड़ी देर पहले ही, तो बस अभी चाय वगैरह पी के सीधा प्लॉट में आया। और प्लॉट में आके सबसे पहले तो गाड़ी को साफ़ कर दूँ, उसके बाद में मैं खुद भी साफ़ हो जाऊँ, नहा लूँ और उसके बाद में आपको भी ले चलते हैं, आज पूरी जर्नी कराते हैं। तो दिखाते हैं चल के आपको भी, अपने ससुराल ले चलते हैं। फ्रेंड्स, हमारी तैयारी हो गई है, हमारी निकलने की तैयारी पूरी हो गई है और हम भी रेडी हो चुके हैं, सावनी भी रेडी है हमारी, है ना। और अर्जुन बहुत खुश है, अर्जुन को लग रहा है हम भी साथ में जाएंगे, लेकिन अर्जुन अभी बाद में रोएंगे क्योंकि अर्जुन तो जा नहीं रहे। और संध्या भी रेडी है, बस कार को लेकर के आने की देरी है। हमारी रेडी है संध्या भी पूरी तरीके से, बैग पैक हो चुके हैं हमारे, बस अब हम निकलने वाले। दादा जी बिना चप्पल के, अच्छा जूता पहने, आओ चलो। ओ नहीं, जाय बाय टाटा टाटा। अर्जुन रो रहा है, चलो कोई बात नहीं, अर्जुन बार बार रो रहा है। तो इस वक्त हम हाईवे पे आ गए हैं और हाईवे पे चढ़ के सीधा निकल लेंगे और आगे चल के सीधा ये बाईपास ये जो हाईवे है ये इनके गांव के पास में ही पहुंचता है, वहीं से कट है तो वहां से कट ले लेंगे। और बीच में अभी भूख बहुत लगी है क्योंकि सुबह कुछ खाया नहीं, जल्दी बल्दी रेडी हुए, तो आगे चल के कहीं ना कहीं कोई हलवाई की दुकान अगर मिलती है तो कुछ जलेबी वगैरह कुछ ले लेंगे, वो खाएंगे चल के, है ना संध्या। हम लोग जा रहे हैं, सावनी हमारी बैठ गई है आगे और संध्या भी आगे बैठ गई है और हम लोग निकल चले। मैं 8 बजे ही रेडी हो गई थी, मैं मेरी बिट्टी, इनको ही लेट हुआ क्योंकि हम लोगों का डिसाइड था कि 7 बजे निकल जाएंगे तो 11-12 बजे तक पहुंच जाएंगे घर पे। अब अभी निकले तो कम से कम 2 बज जाएंगे हम लोगों को वहाँ पे पहुँचते पहुँचते। सावनी जरा बात ना कर लो सबसे, आप कहाँ जा रहे हो बताओ सबको। नानी के पास जा रही है सावनी घर, और नानी के पास क्या क्या करोगी जाके, क्या खेलेंगे। टॉय से ओके। सबसे कह दो, सबसे कहो चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो
और शेयर करो और आप लोग बहुत सारा प्यार दो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। क्या बात है। ओके बोलो। मेरे पापा की वीडियो को उठा दो। कह दो ये ब्लॉग चैनल है। ब्लॉग चैनल नहीं है। इस चैनल को सब्सक्राइब करो। क्या बात है। हम लोग तो बोल ही नहीं रहे, खुद ही बोल। ये आगे चल के बहुत बड़ी ब्लॉगर बनेगी, ये चैनल यही चलाएगी, है ना। मैं कैमरे में कम देख पाऊंगा, सामने ज्यादा देखूंगा। यहाँ ट्रेन कहाँ है, ट्रक है यार। पेट्रोल भी डला लिया है ऊपर और अभी चल रहे हैं। अभी और थोड़ा सा टाइम लगेगा चल पहुंचने में, तो अभी निकलते निकलते ये गाने बजा रही हैं। और बस आगे कोई रेस्टोरेंट देखते हैं पहले तो, क्योंकि भूख लगी है सबको, तो थोड़ा बहुत कुछ खा लें उसके बाद हम लोग पहुंचते हैं। क्या चलती गाड़ी में वीडियो बनाना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि दोनों साइड दिमाग रखना पड़ता है। एक तो सड़क को भी देखना है, प्लस कैमरे को भी थोड़ा सा देखना है। चलती गाड़ी में वीडियो नहीं बनाऊंगा अभी, बिकॉज थोड़ा डर लगता है, तो अभी रखता हूँ। आगे जहाँ रुकेंगे वहाँ वीडियो फिर से शूट करेंगे। फ्रेंड्स हम लोग अभी चल रहे थे ना, हमारे आगे एक ट्रक चल रहा था और वो ट्रक वाले भाई साहब को नींद आ गई, पता नहीं क्या हो गया, वो सीधा जाके साइड वाले डिवाइडर में टकराए और वो ट्रक पूरा पलट गया। तो हम लोग पीछे ही रुक गए थे, आगे एकदम से भगदड़ सी हो गई थी, टेढ़े मेढ़े सब भागने लगे थे। और आप देख सकते हैं ट्रक किस हालत में गिरा है वो, है ना। तो ये JCB वगैरह यहाँ पहले से ही साइड से खड़ी थी, तो उन्हीं को बुला लिया गया। भीड़ हो गई है ये देखिए, तो ये ट्रक जो है पूरा पलट गया है। और इस ट्रक में ना आप देखें तो इसमें ऑयल वगैरह सब फैल चुका है, बहुत कुछ, बड़ा नुकसान हो गया भैया का। पूरा ट्रक पलट गया, हम लोगों के आगे ही जा रहा था ये ट्रक। पे हम थोड़ा सा गाड़ी को रोकेंगे, साबनी के लिए कुछ नमकीन ले लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा। हाँ ये दे दो, स्लाइस ले ली। ठीक दादा। तो हम लोग सिकंदरा आ चुके हैं और साबनी कोल्ड ड्रिंक मांग रही थी बहुत देर से, तो साबनी कोल्ड ड्रिंक आ गई। साबनी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो? हाँ ये देखो, साबनी कहाँ है? हाँ ये आप देखिए, साबनी कह रही है ये देखो। और संध्या भी कोल्ड ड्रिंक पी रही है, तो कोल्ड ड्रिंक थोड़ी सी अभी हम भी पी लेंगे। और ना यहाँ पे गांव की मुझे जलेबियाँ बहुत पसंद है, तो सिकंदरा में यहाँ की जो जलेबियाँ थी मुझे अच्छी लग रही थी देखने में, तो मैं ये भी ले आया जलेबी थोड़ी सी, वो भी खाऊँगा। और बस अब ज़्यादा दूरी नहीं है यहाँ से सिकंदरा, सिकंदरा से सीधा घर। कितना पेड़ लगा हुआ है, लेकिन हमारे तरफ पेड़ काट दिए जाते हैं, खत्म कर दिए जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना पेड़ लगा है, देख रहे होंगे आपको, है ना। इस तरीके से अगर हर सड़क पे पेड़ लगाओ तो कितनी अच्छी बात है, बट नहीं लगाया जाता ना। पेड़ लगेंगे, लगाएंगे लोग, अगर सरकार की ओर से भी पेड़ लगाने की जो योजनाएं आती हैं वो सिर्फ कागजों पर चलती हैं, जमीन पर नहीं चलती। लेकिन जब से ये योगी सरकार आई है तब से बदलाव आया है थोड़ा सा, अब लग रहे हैं पेड़ पौधे भी। और अब तो 52 के 52 विभाग जो यूपी में हैं, वो सॉरी जिले में पड़ते हैं, वो सभी विभाग इस बार पर्यावरण दिवस पे पेड़ ही लगा रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम है ये। तो हम तो यही चाहते हैं कि शहरों में भी इसी तरीके से पेड़ लगने चाहिए जैसे यहाँ गांव में लगे होते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। पूरी सड़क पे छाया ही छाया है ना, थोड़ा सा निकलो धूप कहीं छाओ, धूप कहीं छाओ, इतना पेड़ लगा है सड़क पे, बहुत ही सुंदर व्यू है। सुंदर है ना मेरा गांव? गांव में अभी कहाँ पहुँचे हैं, अभी तो सिकंदरा है।
बहुत भीड़ लगती है। क्या हो गया? पुलिस एक्सीडेंट कुछ हो गया। ओह माय गॉड, कोई एक्सीडेंट हो गया है, कार बाइक वगैरह से कुछ एक्सीडेंट हो गया। यहाँ पूरा बाजार है, ये एक जगह पड़ती है संदलपुर। ये नींद में है, नींद आ रही है। दुकान ले लिया आपने? बच्ची के लिए लोअर ले लिया है। ठीक भैया, धन्यवाद। चलो संध्या को यहाँ पे कुछ अपना पुराना सामान जो रखा है वो सिराना है, तो ये सेंगर नदी आ गई है और सेंगर नदी में संध्या इसमें अपना सामान जो पुराना कुछ रखा हुआ है वो सिराएंगी, तो यहीं से डाल देंगी, नीचे मत निकलना। चलो यहीं से आप डाल दो, जोर से फेंकना। ओके, और भी कुछ फेंकना, मोबाइल ना फेंक देना। ओके चले सेंगर नदी। मैंने ये देखा कहीं भी जाओ सेंगर नदी जरूर मिलती है, बड़ी है ना, बर्तना जाओ सेंगर नदी, कहीं भी जाओ सेंगर नदी। फ्रेंड्स यहाँ पे हवा बहुत चल रही है, इस वक्त हम गांव के अंदर आ गए और बहुत हवा चल रही है, पीपल का पेड़, नीम का पेड़ और इनकी छाया के नीचे खड़े हुए हैं। आसपास का माहौल आपको हम दिखाते हैं, कोयल की आवाज आ रही है, हुआ है सामने ये, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ बस दिख रहे हैं, है ना। गाँव का माहौल ही अलग होता है, पीपल का पेड़, पीपल के पत्तों की आवाज़ ही अलग है बिल्कुल। तो हम लोग गांव में आ चुके हैं, बस कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं घर पे, तो सोचा दो मिनट के लिए यहां पर रुक लेते हैं। तो सामनी भी थोड़ा सा कह रही थी कि गाड़ी से उतरने के लिए जिद कर रही थी, तो उसको भी बाहर निकाल लिया और हवा ले रहे हैं, बहुत अच्छी हवा चल रही है यहाँ पर यार। घर पर हम लोग एसी में सोते हैं, एसी में रहते हैं, लेकिन गाँव की बात ही अलग है। गाँव में पेड़ की जो छाया है, दोपहर पता नहीं चल रही है, दोपहर का कितना बज रहा है अभी? अभी दोपहर का 1:50 हुआ है, 2 बजने जा रहा है और 2 बजे इतनी धूप होती है घर में कि हम लोग पागल हो जाते हैं, तो घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं पड़ती। और यहाँ पर इतनी हवा चल रही है, छाया है, अलग ही ठंडक है। धूप में चले जाओ तो भयानक धूप है और पेड़ के नीचे आ जाओ तो अलग ही ठंडक है। गाँव में ऐसा माहौल होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ज़्यादा नहीं, आज का दिन और कल का दिन काटेंगे, जल्द शाम के टाइम घर में फिर वापस हो जाएंगे। संध्या यहाँ रुकी रहेगी, दामनी यहाँ रुकेगी, बहुत अच्छा लग रहा है। अब चलते हैं घर पे निकल। आमी क्या हो रहा है? चलो चलते दोस्तों। गांव की अच्छाइयाँ तो हमने बता दी, थोड़ी सी बुराइयाँ भी बताते हैं। ये सड़क पे जो किनारे ये लोग ना गोबर के ढेर लगा देते हैं, ये बहुत खराब चीज होती है दोस्तों। कितनी गलत बात है, ये मत करो। क्यों? मेरी गांव की बेइज्जती मत करो। देखा आपने, गांव की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं है ना, और जबकि गलत नहीं है, ये सच है। गांव की सड़कों पर जो किनारे ये गोबर के ढेर लगाए जाते हैं, ये बहुत खराब होता है। उपले हैं ये, उपले खाद, ये उपले खाद है, ये खाद, ये उपले हैं। देखिए पूरी सड़क बंद कर लेते हैं ये लोग, है ना। तो देखो भाई, ये अच्छी बात है, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। ये बताओ, गांव के बीचों बीच में ये तालाब है, ये देख सकते हैं आप, दिख रहा होगा। पूरे गाँव का पानी इसी में आता है क्या? पूरे गाँव का पानी इसी तालाब में आता है। हम लोग घर के पास आ गए हैं बिल्कुल, और बस थोड़ी ही दूरी पर घर है, घर पहुंचने वाले हैं, तो सोचा कि ब्लॉग स्टार्ट कर लें और इधर से मुड़ेंगे ना। मुझे रास्ता याद नहीं है, संध्या को याद है भाई, संध्या का घर है तो संध्या को ज्यादा अच्छे से याद है। आपकी ससुराल नहीं है? हाँ हाँ, नुक्कड़ पे बैठ के पंचायत हो रही है गाँव की पंचायत। यार बन्नी भाई, कहाँ है ये? आ गया मेरा। अरे तो बता तो देते यार। हाँ अपने घर आ गए हम लोग, ये घर है, ये आ गया मेरा घर पे आ गए हैं। गाड़ी को कहाँ खड़ा करा जाए यार? ये पापा जी आ गए, पापा जी आ गए। देखिए नमस्ते आपने सबसे, नमस्ते करो बिट्टी, सबसे करो, दादी से मिलो, नमस्ते।
ब्लैकी ब्लैकी तो फ्रेंड्स दोपहर में आराम करने के बाद शाम को मैं आ गया हूँ खेतों में घूमने। गांव में खेतों में घूमने का मज़ा एक अलग ही होता है। ये सामने पूरे खेत हैं चारों तरफ, तो खेतों में नज़ारा लेने आया हूँ, खेतों में जो सब्जियाँ लगी हुई हैं उनको देखने आया हूँ। और इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करूँगा। आप प्लीज़ आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं आपको कैसा लगा।